नमस्कार, मैं हूं सपना पाठक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों में। छठवें चरण के चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु सारी तैयारियां पूर्ण। जनपद सिद्धार्थनगर के लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज की चुनावी तैयारियां पूर्ण करते हुए जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर कुणाल शील को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने सभी मतदान केंद्रों की समीक्षा करते हुए पुलिस बल के साथ पुलिस लाइन में बैठक करते हुए पुलिस बल की समीक्षा की। सभी फोर्स कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी को हिदायत एवं सावधानियां बरतने को कहा। जिलाधिकारी कुणाल शिल्कू ने बताया कि यहां सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और इसमें पुलिस टीम भी यह जान ले कि पीठासीन ईवीएम मशीन बंद की या नहीं और वीवी पैट की बैटरी निकाली या नहीं, इसका पुलिस बल जरूर याद दिला देंगे। पीठासीन को वहीं यह भी बताया कि कुल बूथों की संख्या 2248 है। वहीं 1600 पोलिंग स्टेशन बनाए गए जहां छठवें चरण में चुनाव होना है और जो 22 मई 2019 को होगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि 24 पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है जहां 21 टीयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदान की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं नेपाल बॉर्डर होने के नाते बॉर्डर बैरियर सीज किया गया है और जनपद की अंदर शाम को सीज करने की बात कही गई है। बताते चले, विधानसभा वार पार्टियों को वीवीपैट सौंपा गया है जहां से सभी पार्टियां अपनी वाहन पर सभी चुनावी सामग्री प्राप्त कर रवाना हुए और जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल शिल्कू सहित मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सौम्या पांडे पार्टियों को अपनी देख रेख में रवाना किया जिससे चुनाव सकुशल सम्पन्न हो सके। देखिए, हम लोग का छठवें चरण का चुनाव है, 12 मई को यहाँ पर वोट पड़ने हैं और हमारे जनपद में कुल 2248 बूथ हैं, 1600 हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं, इसमें से 220 पोलिंग स्टेशंस हमारे, जिसमें कि 170 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं, ये हमारे क्रिटिकल में चिन्हित किए गए हैं और इनमें हमने अलग से व्यवस्था की है। इन सारे क्रिटिकल पोलिंग सेंटर्स, पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स और वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी कराई गई है। इसके साथ साथ अन्य जगहों पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई गई है। पुलिस फोर्स हम लोग को पर्याप्त मिली है, 24 कंपनी हम लोग को बाहर से फोर्स प्राप्त हुई है। इसके अलावा जनपद की हमारी अपनी समस्त पुलिस बल है, हमारे हर जितना भी पोलिंग बूथ है हर पोलिंग बूथ पर पुलिस की व्यवस्था है। 209 सेक्टर बनाए गए हैं, 20 जोन बनाए गए हैं, 3 सुपर जोन बनाए गए हैं, ये सारे अधिकारी फील्ड में मोबिलाइज रहेंगे और अच्छा चुनाव कराएंगे। इसी में भैया 12 तारीख को 1600 PSL और 2248 PS पर चुनाव है। इस चुनाव को सफल संपन्न कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 24 कंपनियां यहां आ चुकी हैं और एक एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। 21 टीयर सुरक्षा व्यवस्था मतदान केंद्रों की 21 टीयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है जिसको ब्रीफ किया जा चुका है। मतदान को सफल संपन्न कराने के लिए जितनी कार्यविधि है वो सब अपनाई जा रही है और मतदान सफल संपन्न। सिद्धार्थनगर से संतोष गुप्ता की एक रिपोर्ट।